नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम को जिस हिसाब से आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, आप लोग के उसमें जो कमेंट्स रहते हैं वो हमारे लिए न केवल एक सकारात्मक ऊर्जा हमें देते हैं, बल्कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहजनक प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं और एक प्रकाश पुंज की भांति कार्य करते हैं, ताकि हम लोग आगे भी और अपने कॉन्टेंट को एनरिच करते रहें और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट ला सकें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड होता है, उसमें तो हम लोग सारी बातों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं, परंतु जो हमारा रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम है, ये एक प्रकार से बूस्टर डोज की भांति है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें ऐसी चीज़ें ही डिस्कस की जाती हैं जो कि आमतौर पर डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और उन पे पहले भी कई सारे प्रश्न बन चुके हैं, आगे भी प्रश्नों को बनने की संभावना है। आमतौर पर उनको बच्चे रटते हैं, क्योंकि वो रटने वाली ही चीज़ें होती हैं, उनमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको नहीं समझा जा सकता है, वो रटने वाली चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग कुछ एक लिंक या शॉर्ट ट्रिक बैठाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आप लोगों के दिमाग में परमानेंटली बैठ सकें और आप लोग अपना एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकें। इसी क्रम में हम लोग आज लेकर आए हैं भारत की प्रमुख झीलें। इसमें ये एक वीडियो में तो हो पाना सारा संभव नहीं है, परंतु आज की वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तकरीबन 41-42 झीलों का के बारे में आप लोगों को समझा देंगे, और उम्मीद है कि ये आपको तुरंत, आप इस वीडियो को देखकर ही आपके दिमाग में ये काफ़ी हद तक बैठ जाएगी। आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो और भी ज़्यादा इसको आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो देखिए, डल, वुलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, मानसर, ये सारी झीलें हैं। अगर इसकी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनती है। डव, ले, आना, बेशर्म। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से बनती है, डव, ले, आना, बेशर्म। तो ये थोड़ा सा फनी है, पर देखिए इसको। ड से आपका हो गया डल, व से हो गया आपका वुलर, ले से आप लेक याद कर सकते हैं, इसका कोई वैसा झील इसका मतलब हो गया, बाकी कोई नाम नहीं है झील का। उसके बाद देखिए, आ से अनंतनाग, ना से नागिन, बे से बेरीनाग, स से शेषनाग और म से मानसर। तो देखिए, ये इसीलिए हमने इसको इस क्रम में लिखा भी है एक साथ। तो इसको आप डव, ले, आना, बेशर्म करके इसको आप याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला है मानसर, मानसर से मिलता जुलता देखिए इधर पे आ जाता है, मानसर से मिलता जुलता सुरिनसर है। तो मानसर से मिलता जुलता क्या है? सुरिनसर। और इसी का जो पहला वाला है शब्द सर से, तो ये सुरिनसर हो गया, और ये जो पहले वाले शब्द है मानसर यानी ऊपर, अगर इसको हम लोग ले लें तो ये मानस, इसके मानस से मिलता जुलता यहाँ पे मानस बल एक शब्द हो गया। तो इससे आप इन दो झीलों को भी याद कर सकते हैं। तो यानी कौन कौन सी हो गई? डल हो गई, वुलर हो गई, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग और आपकी ये मानसर, सुरिनसर और मानस बल, ऐसे करके आपकी ये झीलें हो गई जम्मू कश्मीर की। उसके बाद देखिए लद्दाख की हम लोग बात करते हैं, चूंकि अब लद्दाख अलग एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हम लोग अलग देख लेते हैं। लद्दाख में एक झील तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जहाँ पे जो थ्री इडियट्स मूवी के लास्ट पार्ट फिल्माया गया है, वो है पेंगोंग झील। बहुत फेमस झील है, अक्सर लोग यहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट लोकेशन है बहुत फेमस, तो पेंगोंग झील है। दूसरी बात, दूसरा ये इसमें एक सोमो रिरी झील है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो ऐसे है, TSO मोरिरी। तो देखिए इसमें टी जो है साइलेंट होता है ये, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि ये जो TSO, ये कहीं ना कहीं जो चाइना वाला इम्पैक्ट है वो इसमें आता है। ये जैसे जापान में आप सुने होंगे सुनामी में टी लग जाता है, चाइना में ऐसे ही जो वो जितने भी वहाँ के जो आसपास के प्रांत हैं उनका भी नाम कुछ कुछ इसी प्रकार से होता है। तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ये उधर में, चूँकि चाइना की काफ़ी सारी टेंशंस भी रहती हैं भारत के बॉर्डर के साथ में, तो थोड़ा सा उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो पेंगोंग और सोमोरिरी, ठीक है। तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए सूरज ताल है, सूरज से मिलता जुलता है चंद्रताल।
हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल है, चंद्र ताल है और रेणुका है। अब इसको देखिए, ये पूरा जो है हिम से ढका रहता है। ये दरअसल दो शब्दों से मिल रहा है, हिम और आंचल। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आंचल। तो हिम से आप जो लिंक बैठा सकते हैं वो सूरज से बना सकते हैं और चंद्र से बना, सूरज से बना सकते हैं लिंक, क्योंकि हिम जो है वो वहाँ पे सूरज की रोशनी की कमी होती होगी तभी वहाँ पर हिम जो है ज़्यादा जम जाता है। तो हिम का नाम आते ही आप याद कर लीजिएगा सूरज ताल इससे रिलेटेड है, और सूरज से आपका लिंक हो जाएगा चंद्र ताल। तो सूरज ताल, चंद्र ताल और साथ में ये रेणुका, ठीक है। तो इसमें जो आंचल शब्द है, आंचल जो है वो आप इससे याद कर लीजिएगा कि रेणुका आंचल या रेणुका आंचल, इसको रेणु भी बोल देते हैं, तो रेणुका आंचल या रेणुका आंचल ऐसे जो है उससे आप याद कर लीजिएगा। आंचल जो कि साड़ी का एक पार्ट होता है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अगली ट्रिक पे हम लोग चलते हैं। देखिए पंजाब में, तो पंजाब में आपको पता है कि एक जो वहाँ पर हड़प्पा कालीन जो एक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था रोपड़, और उसी नाम से आज तक एक झील भी मौजूद है। तो उसको हम लोग रोपड़ झील जो है वो भी पंजाब में है, ये हम लोग आसानी से लिंक बैठा सकते हैं, और ये हम लोग हिस्ट्री में अपने पढ़ते भी हैं कि लोकल रोपड़ जो है वो पंजाब में है वो जगह। उसके बाद देखिए हरिके बैराज जो है वो बहुत फेमस है, ये आप जब डैम वाला पढ़ेंगे तब भी आप पढ़ेंगे। वैसे हरिके बैराज में आपका, आपको पता होगा कि व्यास और सतलुज नदी जो है व्यास और सतलुज नदी का संगम जो है वो होता है यहीं पे। यहाँ पर एक जो है आप लोगों को दिखाई पड़, हाँ, यहाँ से एक ये कैनाल निकाली जाती है, यहाँ पे एक ये तालाब है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज और दूसरा ये हरिके झील भी इसी को बोल सकते हैं, या फिर हरिके पत्तन भी बोल देते हैं। तो ऐसे करके ये आपका हो गया व्यास और सतलुज के संगम पर होता है, और यहाँ से एक रिवर निकाली जाती है जो कि आपकी राजस्थान में जो आपका थार डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ तक वो रिवर जाती है, और वो है कौन सी रिवर, तो इंदिरा गांधी रिवर, इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी रिवर जो है इंदिरा गांधी रिवर, वो कहाँ से निकाली जाती है, तो हरिके पत्तन या हरिके बैराज या हरिके झील से वो निकलती है। और हरिके झील कहाँ पे है, तो व्यास और सतलुज के संगम पर है, और ये जो है इसी से आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है हरिके, और हरिके और रोपड़ ये हो गया आपका पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे एक और झील यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है कांजली। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे अमृतसर में आप देखते होंगे, अमृतसर में जो भी जाता है तो वहाँ पर एक जो लेक है उसमें सब लोग जो है वो अंजलि अपना एक मतलब जो हाथों से जल अर्पण करते हैं, तो उससे आप समझ लीजिएगा अंजलि कर से जो है अंजलि देते हैं पानी की, तो उससे आप कांजलि करके थोड़ा सा एक इमेज बना सकते हैं। वैसे ये कम फेमस है तो हो सकता है कि ना भी पूछे, मगर ये दोनों जो है आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए हरियाणा में केवल एक झील ही महत्वपूर्ण है, वो है सूरज कुंड। आपको पता है सूरज कुंड जो है वो सूरज कुंड का मेला बहुत फेमस है हरियाणा में, फरीदाबाद के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर ये झील मौजूद है। तो इसको याद करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है, सूरज कुंड का मेला बहुत बड़ा मेला होता है। उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में नॉर्मली सभी लोग यही याद करते हैं कि जितने भी ताल हैं वो सभी जो है ये देखिए देवताल, राकसताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल, माला ताल, नैनीताल, भीम ताल, ये सारे ताल जितने भी हैं वो सब उत्तराखंड में हैं। अच्छी ट्रिक है याद करने की, लेकिन कभी कभी मामला तब फंस जाता है जब यहाँ पर पूछ लेता है सूरज ताल या चंद्र ताल। तो ऐसे करके मतलब वैसे ज़्यादातर ये ट्रिक मतलब ज़्यादातर तो ताल उत्तराखंड में ही बोले जाते हैं, जो भी जितने भी फेमस ताल हैं वो अगर आए तो उत्तराखंड का ही संभावना बनती है, पर इस चूंकि इसमें और भी जगह है तो हम लोग थोड़ा सा उसकी एक ट्रिक देख सकते हैं कि ये जो देखिए देवताल, देवताल और राक्षस ताल, राक्षस बना है राक्षस से। आप लोगों ने अगर वो कौन सी वेब सीरीज थी, पंचायत वेब सीरीज अगर आप लोगों ने देखी हो पार्ट टू, तो उसमें एक वन राक्षस रहता है जिसको वन का राक्षस का मतलब वो लोग वन राक्षस बोलते हैं।
तो ये राक्षस जो है वो राक्षस से बना है और देव देव अपने आप में देव और राक्षस दोनों ऑपोजिट हैं, तो इससे आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। और मेरा ये कहना होगा कि आप लोग इसको साथ ही साथ लिखते भी चलें अपनी कॉपी में, जो भी ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं उससे आप लोगों को और अच्छे से ये आप याद कर सकेंगे, नहीं हो सकता है कि आप आगे चल के इसे भूल जाएं। तो देखिए उसके बाद है ये नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। तो देखिए खुर जो है पैर से संबंधित है, नौकुचिया से आप बिछिया बना लीजिए, तो इससे रिलेटेड जो है आप बिछिया बना सकते हैं। बिछिया भी पैर से संबंधित होती है और नौ खुरपाताल में खुर भी जो है वो पैर से संबंधित होता है, तो इससे आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, नौकुचिया ताल बिछिया, नौकुचिया बिछिया, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भीमताल, भीमताल आपको पता है भीम जो है वो मतलब देव और राक्षस जैसी इनमें शक्ति थी और देव का संगम, तो भीम से आप इन दोनों से मिला के ही बना सकते हैं थोड़ा सा। बाकी ये देखिए नैनीताल तो सबको ही पता है, उसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और नैनीताल में ज़्यादातर कपल्स जाते हैं शादी के बाद, तो जब वो शादी के बाद जाते हैं तो वो सात फेरे लेके ही जाते हैं, तो सात ताल हो गया आपका। दूसरा ये माला यानी जयमाला वरमाला जो है वो डाल के सात फेरे लेके तब जाते हैं, तो इससे आप याद कर लीजिए माला ताल, सात ताल और नैनीताल, तो इन तीनों को आप एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, और राक्षसताल देवताल और भीमताल इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। इस तरीके से आप इसका एक बना सकते हैं उत्तराखंड की झीलों का। उसके बाद देखिए आ जाता है राजस्थान की झीलों का। तो राजस्थान की झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सांभर झील वहाँ की बहुत फेमस झील है, अक्सर मतलब कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए सांभर झील जो है वो सबसे खारे पानी की झील है, ये आपको पता होना चाहिए कि सांभर झील जो है खारे पानी की झील है। डीडवाना भी खारे पानी की झील है, तो वैसे सांभर जो है, सांभर एक डिश है आपको पता ही होगा, तो सांभर जो है वो और इधर ये पिछोला में छोला, ये दोनों लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। और लून, लून से देखिए नून से बना है, नून जो है आपको पता होगा, नून बोलते हैं नमक को पूर्वांचल या बिहार साइड में, नून का मतलब होता है नमक, नून से आप लून बना दीजिए, नून वो गाना भी है ना, नून रोटी खाएंगे जिंदगी यूं ही बिताएंगे, उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि नून जो है वो उससे हो गया लून इधर, और लून का मतलब जितनी भी जो वो खारे पानी वाली झील है, जहाँ पे जो खारे पानी वाली है नमकीन पानी वाली, तो वो जो है सांभर छोला ये सब जो है नमकीन होता है, और ये तीनों इसको आप एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में आपको पता है कि राजपूतों काल में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, तो जय विजय फतेह करना ये सब वहाँ पे लगा रहता था, तो राजसमंद राज के लिए वहाँ पे, राज करने के लिए वहाँ पे जय विजय फतेह करना ये सब जो है लगा रहता था, तो वहाँ पे बहुत जुझारू किस्म के वहाँ के जो वंश थे वो सब हुआ करते थे, राजपूत वंश, और इसलिए राजसमंद जय समंद फतेह सागर इसको आप एक साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक ये डीडवाना भी देख लीजिए, डीडवाना जो है ये ढीठ से बन गया है, ढीठ मतलब जो बहुत ढीठ होता है, ढीठ लोग जो है वो अपना फतेह कर ही लेते हैं, जो राजस्थान के राजपूत नेता थे वो बहुत ज़्यादा ढीठ थे एकदम, वो किसी भी हालत में उनको विजय चाहिए ही थी, तो इस तरीके से वो जो है विजय या फिर राज कर लेते थे, फतेह कर लेते थे, तो इन चार को आप बेसिकली एक साथ रख सकते हैं, राजसमंद जयसमंद फतेह सागर डीडवाना। उसके बाद देखिए कि उदय सागर, उदय सागर आपको पता है कि उदयपुर कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में, तो इसलिए उदय सागर राजस्थान में हो गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पुष्कर जो है, पुष्कर झील कहाँ है, तो ये भी आपको पता है पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में, तो ये काफ़ी फेमस है ये भी, तो पुष्कर भी राजस्थान में है, ठीक है। और पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कहा जाता है कि केवल इंडिया में एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है पुष्कर में, तो अक्सर प्रश्न जो है ये भी आ जाता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो पुष्कर में है, ठीक है। और पुष्कर कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके बाद देखिए राणा प्रताप कहाँ के हुए हैं, तो वो हुए हैं आपके राजस्थान के, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर इससे आप याद कर सकते हैं। और जवाहर सागर इसके बाद है, जवाहर सागर, तो ये जवाहर सागर भी आपका राजस्थान में, जवाहरलाल ही पहले ऐसे भारतीय नेता थे जो प्रधानमंत्री के पद पर राज किए, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि जवाहर सागर वो राजस्थान में है। और देखिए राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर,
ये दोनों और प्लस इसमें ये गांधी सागर मध्य प्रदेश का, ये तीनों जो है, ये तीनों ये आते हैं आपके चंबल नदी पर। ये प्रश्न आ चुका है, पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कौन कौन से सागर हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो उसमें आप जो है अलग अलग प्रश्न इसी बनते हैं। तो राणा प्रताप सागर कहाँ है, जवाहर सागर कहाँ है, तो ये दोनों है आपके राजस्थान में, और चंबल नदी पर गांधी सागर कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश पे। इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं कि देखिए, जवाहर सागर, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने सबसे पहली बार राज किया था प्रधानमंत्री के पद पर, तो वो तो राजस्थान से हो जाएगा। और अगर गांधी की बात करें तो गांधी जो है हमेशा से ही भारतीय राजनीति के मध्य में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, तो मध्य प्रदेश उसको आप याद कर सकते हैं ऐसी कुछ ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखिए गुजरात में, गुजरात की बात करें तो नल सरोवर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, नर नारायण बोलते हैं तो नर नारायण से जो है ये नल नारायण आप लोग याद कर लीजिएगा, नल नारायण दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है, मिलता जुलता हो जाएगा। और दूसरी बात कि नल से जो है पानी लगातार बहता रहता है तो वहाँ पे काई जम जाती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं उकाई, उकाई परियोजना भी कई बार पूछी जाती है कि उकाई परियोजना किस नदी पे है, तो ये दरअसल उकाई नदी पे ही है, और ये ताप्ती के जो है वो ताप्ती नदी में, ताप्ती नदी पर ये झील स्थित है, ताप्ती नदी से पानी जाता है इस झील में, तो ये जो है आप इसको उकाई जो है उकाई काई से बन गया, ये आपके नल से लगातार पानी बहने से उकाई हो जाती है, वहाँ पे काई काई हो जाती है, और बाकी नल से ही नल नारायण, नर नारायण इस तरह से बोला जाता है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नल सरोवर जो है वो एक आर्द्र भूमि का क्षेत्र भी है, आई थिंक पक्षी अभयारण्य जो है वो नल सरोवर है एक, वो आपको वैसे भी याद करना होगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे याद करना जरूरी है। हो सकता है कई बुक्स में आपको झील के तौर पे ये ना भी याद करने के लिए दिया जाए क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इसी से हमें दो तीन जगह टारगेट हो जा रहा है, जैसे अगला जो मध्य प्रदेश में है वो भोजताल है, भोजताल जो है वो आपका झील तो है ही, साथ में एक आर्द्र भूमि प्रदेश भी है। देखिए उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जब भी कोई झील होती है, झील में क्या होता है कि पानी भी होता है, पानी होता है तो उसके आसपास जो है वो पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो उपजाऊ ज़मीन होती है, पेड़ जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो पक्षी और तमाम पशु वगैरह अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एक हॉटस्पॉट एरिया बन जाता है, यानी कि जैव विविधता की दृष्टि से वो बहुत एक अच्छा एरिया माना जाता है, तो इसलिए उसको संरक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ऐसे ही जो है ये भोजताल जो है वो झील भी है, भोज आपको पता ही होगा, राजा भोज हुए थे मध्य प्रदेश में, धार उनकी राजधानी थी, और राजा भोज के ही नाम से भोजपाल या भोपाल बसाया गया, और भोजताल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ इस तरीके से, और भोजताल आर्द्र भूमि की जब बात कही जाएगी तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही होगा। इसी प्रकार से गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य होता है, उसी प्रकार से उकाई परियोजना पूछा जाए तो वो आपने देख लिया कि गुजरात में है, तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें इससे लिंक्ड भी हैं। तो ये रहा हमारी आज की सारी झीलों के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ना भी पसंद आई हो तो आप लोग इसमें कोई अपनी भी शॉर्ट ट्रिक विकसित कर सकते हैं और उसके माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ सारी झीलें एक ही जगह पे, एक वीडियो इस पे और लाऊंगा जिसमें आपकी सारी झीलों का विवरण कवर हो जाएगा, और झीलों से आपको पता ही है कि प्रश्न जो है अक्सर पेपर में आते हैं, इसलिए इस पोर्शन में मैं वही चीज़ें रख रहा हूँ जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती रही हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।